सोलन में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये सम्मेलन नगर परिषद में आयोजित किया गया। जब राजनेता आए तो उनके स्वागत में भारी भीड़ उनका स्वागत करने में लगी। बस इस मौके पर जेब कतरों ने जमकर फायदा उठाया और एक एक कर करीबन 7 से 8 जेबों पर हाथ साफ कर करीबन 50,000 की नकदी ले उड़े। कुछ देर बाद जब राजनेताओं ने अपनी अपनी जेब खाली देखी तो सबके होश उठ गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जेब कतरे वहां से निकल चुके थे। जेब कटने के बाद बगाट बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण शर्मा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस को ये सूचित किया गया था कि सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए थी, लेकिन वह सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकी, जिसके चलते जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश ठाकुर, पार्षद पुनीत सहित अन्य कार्यकर्ताओं की जेब कट गई, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज हमारा म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन था पार्टी का। इसमें हम सब लोग इकट्ठे होकर अपने नेताओं का जब स्वागत कर रहे थे तो कुछ जेब कतरे भी बीच में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने हम काफी लोगों की मेरी जेब भी कटी, पुनीत जी कटी, रमेश ठाकुर जी कटी, राहुल ठाकुर जी कटी, सिद्धार्थ सिंह ठाकुर जी कटी और इतनी और लोगों की भी कईयों की जिनको पता लग रहा है बाद में। और जेब कतरे जो आए पता नहीं अब प्रशासन का क्या इंतजाम था ताकि उनको रोकते और वो एक हैंडसम अमाउंट लेके सोलन से जेब कतरे चले गए। ये कमी ये थी भी सिक्योरिटी कम थी, जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे थे तो प्रशासन को चाहिए था भी सिक्योरिटी थोड़ी प्रोवाइड करते ताकि कार्यकर्ता भी स्मूथली काम करते और जेब कतरे पकड़े जाते। लगभग 50,000 के करीब सारों की जेब में कट के चला जा चुका है।